ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली एवं पहला जानी टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर के संयुक्त तत्वावधान में हॉस्पिटल परिसर में महिलाओं एवं निसंतान दंपतियों के लिए 15 दिसंबर गुरुवार को निःशुल्क परामर्श शिविर का आयोजन किया गया, जिसका समय सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक निर्धारित किया गया है। निसंतान दंपतियों के लिए एक बार फिर से एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली द्वारा निःशुल्क परामर्श शिविर का आयोजन 15 दिसंबर गुरुवार को अस्पताल परिसर में किया जा रहा है। एसआर हॉस्पिटल एवं पहला जानी टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित शिविर का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक निर्धारित किया गया है। पहला जानी टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर की डॉक्टर नमिता चंद्र वर्मा ने बताया कि संस्थान द्वारा अब तक 40,000 से ज्यादा सफल प्रेगनेंसी कराई जा चुकी है। हमारे हॉस्पिटल पहला जानी वुमेन्स हॉस्पिटल की तरफ से एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में 15 तारीख को एक कैंप रखा जा रहा है 15 दिसंबर को, जिसमें जो सारी महिलाएं जो जिनको बच्चे नहीं हो रहे हैं या महिला रोग से विशेष जो भी परेशानियाँ हैं महिला से रिलेटेड सभी परेशानियों का मेरे से परामर्श ले सकते हैं। जो महिलाएं जिनको बच्चे नहीं हो रहे हैं या स्त्री रोग से रिलेटेड जो भी परेशानियां हैं उन सब चीज़ों के बारे में मेरे से फ्री परामर्श ले सकते हैं 15 तारीख को एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में। एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली में पदस्थ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट सिरिन संत एवं ताज जोशी ने शिविर को लेकर जानकारी दी। और आपको आप क्षेत्रीय जनताओं को मुझे सूचना देते हुए अति हर्ष हो रहा है कि 15/12/22 को प्रातः सुबह 10 बजे से शाम के 3 बजे तक पहला जानी टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर का शिविर का आयोजन किया गया है। अतः हमारी समस्त जनताओं से निसंतान दंपतियों से मेरा अनुरोध है कि इस शिविर में आएं और इस शिविर का अधिक रूप से लाभ उठाएं। धन्यवाद। 15/12/2022 दिन गुरुवार को क्षेत्र की जनता के लिए निसंतान दंपतियों के लिए IVF पहला जानी की तरफ से एक शिविर रखा गया है। इसीलिए इन सबसे अनुरोध है कि अधिक से अधिक उपस्थित होकर इस शिविर का लाभ उठाएं। गौरतलब है कि इसके पूर्व लगे निशुल्क परामर्श शिविर का लाभ अनेकों निसंतान दंपतियों द्वारा उठाया जा चुका है। एसआर अस्पताल प्रबंधन ने क्षेत्र के निसंतान दंपतियों से शिविर का लाभ उठाने की अपील की है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे।